रियलिटी देखो, बिना मेकअप के ये दूल्हा ये छोड़ दे, ये देखो कैसी हालत हो गई, कैसी गरीब सी लग रही है। चले बहारों में गुनगुनाती राहों में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश ब्लॉग में। और फाइनली बहुत दिनों बाद नव्या के स्कूल खुल गए एंड शी इज एक्साइटेड टू गो टू स्कूल। नव्या की वैन आ गई है एवरीवन। चलो नव्या की वैन आ गई, अब मैं आपको स्कूल लेने आऊंगा। अच्छा, मैग्नाइट पे आऊंगी डोमिनार पे आऊंगी? मैग्नाइट पे। चलो ठीक है। नव्या तो गई स्कूल, अब हम जा रहे हैं क्लास में। मुझे जाना है क्लास में और प्रेरणा को जाना है अपने ऑफिस। तो आज प्रेरणा मोटिव व्लॉग करेगी अपनी इस वाइट ब्यूटी पे, एवेंजर पे, और मैं साथ साथ चलूंगा डोमिनार पे। हमें मतलब लाइक 4-5 किलोमीटर तक साथ जाना है, उसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने गोप्रो को चार्ज पे लगा दिया और गोप्रो का भी मेरा बैंड बज गया क्योंकि मैं बहुत आउटडेटेड गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट अभी सीधा मोटर व्लॉग में मिलते हैं। मोटर व्लॉग करेगी प्रेरणा आज। चले बहारों में गुनगुनाती राहों में। आगे का गाना नहीं आता मुझको, आगे नहीं आता है मुझसे वाला गाना, पर अच्छा लगता है ये गाना। आज मैं फोटो व्लॉगिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, और आगे चल रहा है डोमिनार पे मेरा हीरो। मैं जा रही हूँ ऑफिस, तो आशीष ने कहा आज तुम करोगी मोटो व्लॉगिंग। मैंने कहा ओके, आई विल डू द फेवर फॉर यू। तो हम चल रहे हैं और आज थोड़ी सी हमें भीड़ मिलने वाली है, बिकॉज आज से बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस थी बिकॉज ऑफ द कोल्ड डेज। आशीष जा रहे हैं क्लास में, मैं जा रही हूँ, ये देखो ऑफिस जा रही हूँ और ये धुआं खाती हुई जा रही हूँ। इस ऑटो को देखो, कोई मतलब नहीं है, बस गाड़ियाँ बंद कर लो 10 साल के अंदर, डीजल वाली, राइट। Eight hours later. तो शाम हो गई है और मेरी मीटिंग थी आज, मैं लेट हो गई हूँ। अब मुझे जाना है मेरी क्लास में, गेटिंग लेट। ये खड़ी मेरी हीरोइन, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ कोई ना कोई छेड़ते रहता है बिकॉज पार्किंग है, सो लेट्स गो। तो ये अगला दिन है। कल प्रेरणा ने मोटो व्लॉग किया और ऑफिस जाके वो गोप्रो को स्विच ऑफ करना भूल गई और शाम तक बैटरी ड्रेन हो गई और वो मोटो व्लॉग कर ही नहीं भाई शाम को। जो आपने थोड़ा सा क्लिप देखा जब वो पार्किंग में है, क्लास जा रही है, तब तक कहीं वीडियो शूट हो पाया। एंड चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस वीकेंड पे प्रेरणा की दो सिस्टर्स हैं और दोनों की एंगेजमेंट साथ में है, मतलब एक ही इवेंट पे एक ही टाइम पे दो एंगेजमेंट है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। वी आर वेरी एक्साइटेड। प्रेरणा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हमारी शॉपिंग वगैरह है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, कर चुके हैं हम शॉपिंग और इस हम वेट कर रहे हैं। और जो इन दोनों बहनों के जो फियांसे हैं, उन दोनों ने उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ रखा है। दोनों ने जिस फिंगर पे वो रिंग पहनाने वाले हैं ना, उन फिंगर पे टैटू बना रखा है और उन लोगों को अभी तक पता नहीं है दोनों को। सो जब टैटू बन रहा था वो मैंने शूट किया, इसके बाद आप वो देख लो जो मैंने शूट किया है। जो प्रगति है, आपने काफ़ी बार उसको व्लॉग में देखा होगा हमारे साथ, तो उसका तो मैंने शूट कर पाया क्योंकि जो उसकी दूसरी सिस्टर है वो मुंबई रहती है, उसका शूट नहीं कर पाया। बट मैंने उससे बोला कि मेरे लिए ना तो एक क्लिप शूट कर लेना। तो चलो अभी क्लास मिल के या सीधा वो आपको टैटू वाले शॉर्ट्स दिखाता हूँ पहले मैं आपको। दोस्तों ये है प्रगति, ये बनवाने जा रही है टैटू अपने फियांसे का इनिशियल। इस बच्चे का हम बाल विवाह कर रहे हैं। ये प्रेरणा की छोटी सिस्टर है। और क्या बना रही प्रगति? कहाँ पे? बेसिकली ये व्लॉग में बहुत टाइम बाद डालूंगा और ये इनिशियल एस बनवा रही है। जब भी इसको फियांसे इसे फिंगर में रिंग पहनाने वाला होगा, उससे पहले उसको सरप्राइज मिलेगा। लेकिन देखो प्रगति इधर देख, बहुत दिन छुपा के रखना पड़ेगा कि चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है। ये भी वही टाइप में है, मंडाला। प्रेरणा भी भैया से डिस्कस करते हुए मेरे को भी बनवाना है। मुझे डर लग रहा है, मेरी बहन ने मुझे डरा के रख दिया कि बहुत दर्द हो। कुछ नहीं हो रहा, इतनी सुइयां घुसेड़ती थे लोगों में। बाय द वे शी इज अ डॉक्टर,
लोगों में सुइयां घुसेड़ती है और खुद सुई से डर रही है। So it's almost done. तो भैया ने 5-7 minutes भी नहीं लिए, जल्दी से बना दिया। Happy? दिखा पास, दिखा प्रगति। Nice. दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हमको बेसब्री से वेट था। आज है क्या है? आज मेरे दोनों सिस्टर्स की एंगेजमेंट है और हम वेन्यू पे आ गए और जैसी उनकी एंट्री होती है दोनों दुल्हनें आती हैं तो हम आपको मिलाते हैं। पहले एक एक करके आएंगे ना? दोनों साथ आएंगी। चलो जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मजा आने वाला है। दूल्हा नंबर वन आकांक्षा का प्रेम से और ये साहिल, ये है नाउन अंकल। ये वीडियो बना रहा है। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, नॉन अंकल से मिलाने की बात करी थी ना पहले वीडियो में। इसने पहली वीडियो में हूँ, पहले व्लॉग में हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी आशीष भाई। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं, प्रेरणा के पापा, प्रेरणा की मम्मी, कृष्णा और कृष्णा के पेरेंट्स सब वहाँ बैठे हुए हैं और इसके बाद जब पूजा हो जाएगी तो यहाँ पे साहिल बैठेगा थोड़ी देर में। बिना मेकअप के ये दूल्हा ये छोड़ देगी। ये देखो कैसी हालत हो गई, कैसी गरीब सी लग रही है। नहीं यार। और दूसरी ये रिंग बिना मेकअप के देखो, ये देखो मुंह धो लिया उसने।